Ma'am, look here. Just look here. Boom, Nikal Imran. वेटिंग फॉर थर्ड. मैंने फिल्म देखी नहीं है तो इसलिए मुझ मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है कि कब वी स्टार्ट द स्क्रीनिंग एंड आई गेट टू वॉच द फिल्म. ओके, और अगर गानों की बात की जाए तो कौन सा फेवरेट गाना है? ऑफ कोर्स दिस वन दैट वी लॉन्चिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पेपी सॉन्ग. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक आपने थोड़ा बहुत ट्रेलर में तो सुना ही होगा. टुडे यू विल गेट टू हियर द इंटायर सॉन्ग. आई थिंक पीपल आर रियली एंड इट्स वेरी टुडेज जनरेशन द काइंड ऑफ सॉन्ग्स आजकल लोगों को पसंद आ रहा है उस टाइप की सॉन्ग है. तो I don't know the exact count, but we don't have any song in the film jahan pe, you know, people are singing or lip sync nahi hai, because the film is very different. We purposely didn't put a song because it would have broken the rhythm of the film. So we have a lot of background scores. This is one of them. The film ka naam Setter hai. Film mein set kaun karta hai? Matlab jaise humne dekha poster mein bahut sare chehre hain. Ji ji. सो जो मैं पवन जी की डॉटर का रोल प्ले कर रही हूँ, ही इज़ द मेन सेटर. ही इज़ द वन जो सारा पेपर लीकिंग और जो भी प्रॉक्सी जो भी सेटिंगबाजी होती है उनके थ्रू होती है. ही इज़ द मेन पर्सन. बट मेरा कैरेक्टर बहुत ही क्यूट है बिकॉज वो अपनी छोटी सेटिंग करते रहती है. तो फादर की सेटिंग तो चल रही है, उसका अपने लोगों के साथ सेटिंग चल रहा है. एंड फादर इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ये जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है नहीं. उनके सामने चाय का ट्रे लेकर आएगी बट इशारों में कमरे में जितने सारे लोग हैं सबके साथ उसकी सेटिंग चल रही है. सो दिस इज़ हर कैरेक्टर. सो इट्स अ वेरी क्यूट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. ही सेड प्रेरणा जो मेरा कैरेक्टर का नाम है, ही सेड दैट शी इज़ फन लविंग. लाइक आई सेड सुमड़ी, लाइक यू नो शी इज़ दबंग. ट्रेलर में देखा होगा वो गन उठा के धमकाती है लोगों को, तो वैसी है. लेकिन एक्चुअल में गन चलाएगी नहीं. शी इज़ नॉट समबडी हु विल एक्चुअली यूज़ इट, बट अपना फ़ायदा निकालने के लिए वो छोटी बहुत जैसे मैंने कहा सेटिंग कर देती है. आई एम बैक हियर. आई थिंक आई हैव सम कनेक्शन बिकॉज दिस इज इन द लास्ट 10 डेज. आई थिंक दिस इज सेकंड टाइम आई एम कमिंग बैक हियर, फर्स्ट फॉर ब्लैंक एंड नाउ फॉर सेटर. एंड टुडे द वेदर इज नाइस सर. So I think we're going to enjoy the other portion of Sin City. Thank you for having us here. Last question. जैसे इंडिया में IPL का फीवर चल रहा था, क्या आप IPL देखती हैं? In my family, in my my mom and dad, none of us we don't like cricket. And my in-laws की family में everybody is crazy about cricket. तो रोज रात को सब बैठ के cricket देखते हैं. And I am absolutely zero when it comes to cricket. I like watching it, but with people because उनको देख के मुझे मज़ा आता है. When they enjoy and they are एंड जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो जो भी टीम को सपोर्ट करता है ऑलवेज सपोर्ट द ऑपोजिट टीम जस्ट फॉर फन. किस टीम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस. एंड जस्ट टू इरिटेट माय ब्रदर इन लॉ आई समटाइम्स ऑलवेज चूज द ऑपोजिट टीम एंड ही गेट्स वेरी अनॉयड. तो या इट्स फन. थैंक यू. थैंक यू. Sadly, look here. यहाँ पर नीचे डाउन करना चाहिए. सुना है कि पेपर लीक होता है, लेकिन कैसे होता है, कितना बड़ा स्कैम है,
अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो इट स्टार्ट्स विद द रेड कार्ड ऑफ कि मेडिकल का इतना, इंजीनियरिंग का इतना, बैंकिंग का इतना. सो आई आस्ट अश्विनी सर व्हेन ही वाज नरेटिंग कि सच में ऐसा होता है, एंड इट्स लाइक इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज़ व्हाट हैपेंस. तो जो भी हमने दिखाया है फिल्म में, जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी का अच्छा फ़ायदा और बुरा भी होता है, तो इसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से मिसयूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को फॉर चीटिंग, प्रॉक्सी, बहुत कुछ है. जो इन दिस फिल्म यू विल गेट टू सी द एंटायर सिस्टम कि कैसे जो सेटर्स है वो कैसे सेटिंग करते हैं, कितने कितने लोग कौन से लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं इसमें. अगर आगे आपको प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता है तो कौन से सब्जेक्ट्स मुझे इंस्पायरिंग लगते हैं आपको, क्योंकि आज के ज़माने में वुमेन अपॉर्चुनिटी का रूल बढ़ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या वुमेन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस या एक्सपेक्टेशन है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक नॉट जस्ट वुमेन, इन जनरल सब्जेक्ट्स जो आजकल चूज कर रहे हैं डायरेक्टर्स एंड मेकर्स, दे वेरी इंटरेस्टिंग. इज नॉट सर लुक है कैमरा आ रहा है, रे में आ रहा है. ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ट्रेलर को तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही रहा है, और आज म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है आज की म्यूजिक लॉन्च? सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात को लेकर हूँ कि हमारा जो ट्रेलर है वो सब लोगों को पसंद आ रहा है, और एक कॉर्ड सा स्ट्राइक कर रहा है लोगों के अंदर, एंड वे वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. और काफ़ी इंथूजियास्टिक है क्योंकि जो गाना है आज हमारा पहला गाना लॉन्च हो रहा है. So it's a lovely function, lovely evening, and we're thankful to all of you to be here. As well as we're looking forward, jo trailer hum logon ne gaane pe kaata hai, wo hum chahte hain ki aap sab dekhe aur use pasand kare, use bhi pasand kare. Okay, film mein aapka kaun sa favorite hai? Ye jo abhi hum log launch karne ja rahe hain, film mein bahut sare gaane nahi hai, lekin ye jo gaana hai ye bahut effective, bahut hi impactful, matlab youth bhi identify karega aur jo aam taur ka matlab jo normal log hote hain wo bhi identify karenge is gaane se. So I think it's a very effective song and I'm looking forward to you guys listening to it. आई थिंक सबसे ज़्यादा पहले तो एक्टर स्क्रिप्ट को ढूंढता है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो, अगर इम्पैक्टफुल हो, या यू नो इट क्रिएटिवली एक्साइट्स एन एक्टर, तो वो पहले सबसे पहले तो एक्टर वो चुनता है. ऑब्वियसली उसके बाद क्लोजली फॉलोड बाय कौन डायरेक्ट करने वाला है, बिकॉज जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो उनका जो विजन होता है वो एक एक्टर को रिस्पेक्ट करना चाहिए. और मतलब आई लुक फॉर दैट इन अ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर मुझे इंस्पायर करता है या मुझे यू नो ही गिव्स मी समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर, दैट फॉर मी जो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ होता है एज एन एक्टर फॉर अ डायरेक्टर. क्यों नहीं ऑफर हो सकते? आई थिंक हर एक्टर के जीवन में कहीं ना कहीं फेज में अलग अलग रोल्स भी ऑफर किए जाते हैं. सो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू गेट एन ऑफर लाइक सेटर्स एंड अ रोल लाइक सेटर्स, एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर एज वेल. आई वेयर ऑल व्हिच थिंग्स, दिस थिंग्स, तो ये इन सब चीजों में कितना यकीन रखते हैं कि यू नो कुंडली एंड ऑल दिस राशिद बल और दिस. आई बिलीव इन द डिवाइन, आई बिलीव इन द क्रिएटर, आई बिलीव इन लाइफ, I believe in you guys and I believe in myself. Okay, aap tab ek hatke jo sawal puchne wali ho ye hai ki IPL season start ho chuka hai, to IPL ke upar aap ka kitna chala? Main bahut main jitna ho sake main dekhta hu aur abhi phone par bhi follow karta hu. Obviously stadium mein nahi ja sakta, but whenever I can I would definitely like to, and I follow it, I follow on Twitter, I follow on the news. Okay, aapki favorite team kaun si hai? Is saal thodi si mix hai, iske pehle Mumbai thi, Mumbai abhi bhi hai, लेकिन इसके अलावा मैं चेन्नई को भी फेवर करता हूँ और केकेआर को भी. एम एस धोनी, आई थिंक कोहली, आई लव कोहली, एम एस धोनी, आई लव आंद्रे रसल एट द मोमेंट, आई थिंक वो जो खेल रहे, आई डोंट थिंक एनीबडी इज प्लेइंग लाइक हिम इन दिस आईपीएल. वो आप डिसाइड कीजिए, वो आप डिसाइड कीजिए, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाटएवर जो भी बायोपिक मुझे इंस्पायर करता है और मुझे as an actor it you know it inspires me and also makes me very excited, and obviously somebody jo itihas jinhone itihas likha ho aur itihas pe bahut hi ek dilchasp kissa ho, I would definitely like to do a biopic, but I don't know who yet. Thank you so much. Thank you. You I think I've been here for the launch and I think it's a fabulous place. I thank Sajid bhai for inviting us here, and
you know, giving us a fabulous get-together. I think it's a lovely place. I think people should definitely come and visit this place and enjoy the not-so-sin in this city. Thank you. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो हमारे तीन जो शेर हैं सुखी पाजी रफ्तार सलीम सुलेमान तीनों लाइव परफॉर्म भी कर रहे हैं. गाना बहुत बढ़िया कंपोज किया सलीम सुलेमान ने, बहुत अच्छा लिखा है हमारे सागर साहब ने, और रफ्तार और सुखी पाजी ने तो मतलब चार चांद लगा दिया. आई एम सो वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग, सो यू नो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग. आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक द सॉन्ग एंड द काइंड ऑफ लव दैट यू हैव गिवन टू द ट्रेलर. आई होप यू गिव टू द फिल्म एज वेल एंड इट वर्क्स. फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाता हुआ ही गाना है, मतलब ऐसा नहीं कि अलग बलता ही एक कुछ गाना है. सो ऑफ कोर्स द सॉन्ग विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड, और एक जिस्ट फिल्म का जिस्ट बताने वाला वैसा किस्म का गाना है. सो आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या गाना है. और मैं यू नो रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके लिरिक्स पे भी, रफ्तार के रैप पे भी ध्यान दीजिए, बिकॉज बहुत अच्छा लिखा है उस बंदे ने. करतूत हैं विदाउट अ डाउट. या थैंक यू. या इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस. इनफैक्ट आई हैव बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फ्रॉम व्हाटएवर आई कैन सी हियर आई थिंक इट्स एन ऑसम प्लेस. सो थैंक्स टू साजिद भाई फॉर मेकिंग दिस वेन्यू अवेलेबल फॉर अस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवनिंग. ओके श्रेयस, एक सवाल जो मैं अलग पूछने जा रही हूँ ये है कि आईपीएल सीजन चालू है, आईपीएल का फीवर कितना आपको चला? आईपीएल का तो रहता ही है मेरे ख्याल से, थोड़ा थोड़ा टुवर्ड्स दी एंड ज़्यादा बढ़ने लगता है, बट थोड़ा थोड़ा जब टाइम मिलता है तो फॉलो करता हूँ मैं. इनफैक्ट गोवा में शूट कर रहा हूँ, वहाँ से मैं बस इसी के लिए अभी जस्ट लैंड हुआ हूँ और वापस जाऊँगा शूटिंग के लिए, तो जब वक्त मिलता है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं. एक्चुअली मुंबई का हूँ तो मुंबई इंडियंस बोलना चाहिए, बट आई थिंक आई एम अ धोनी सपोर्टर, सो CSK. यार कंटेंट अगर अच्छा हो तो कभी भी रिलीज करो फिल्म चलेगी, कंटेंट अगर बुरा हो तो जितनी चाहे सारी चीज़ें लगा दो, अंगूठिया अंगूठिया पहन लो, कुछ नहीं होगा. आई डोंट नथिंग. जय भोलेनाथ. ओके थैंक यू. मैं डबली एक्साइटेड हूँ. आज तो करतूते का डे है एंड करतूते इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स इन द फिल्म एंड देर आर ओनली टू सॉन्ग्स एंड द अदर वन इज़ द सॉन्ग दैट आई हैव जस्ट शॉट फॉर येस्टरडे. बट करतूते इज़ एन अमेजिंग सॉन्ग और हमने जिस दिन पहले दिन सुना था आई थिंक इट्स गॉट सो मच स्पंक
and the music is fab and Raftaar and Sukhvinder, so it's really nice. Okay, kis tarike ka songs aur bhi dusre songs hai? और एक ही गाना है जो मैंने कल शूट कर लिया है एंड इट्स एन अमेजिंग डांसिंग नंबर आइटम नंबर एज वी कॉल इट आई विल जस्ट से एक गाना है जिसमें बहुत सारी डांसिंग है थोड़ी रैपिंग भी है और वो आई मीन जीज डन द वीडियो और कल मैंने वो शूट किया है और आप लोग बहुत जल्दी देखोगे एंड इट्स एक्साइटिंग इट्स समथिंग दैट आई हैव नेवर डन सो या दोनों में I know I should be saying Kartute because I'm here, but I would say mera gana jo aane wala hai, it's called Boom Jawani. Mera gana wo favorite hai. film, I know aap log ne trailers dekha hai and the trailer is self-explanatory. Kaafi kuch samajh mein aaya hai, but then the main thriller and suspense part nahi pata hai. Main cop hoon. And it's about the exam paper mafia and the scam और एक बहुत interesting topic है and which is time it's about time कि ये लोगों के सामने आए और not superficially but literally अंदर जाके और क्या क्या होता है so it's a very nice thriller and I think you guys will like it बहुत अच्छा है अभी मैं बस आई हूँ अंदर जाके देखूँगी तो शायद और अच्छा होगा it's really nice Cool, thank you guys. Yeah. अरे ये तो मेरे से मत ही पूछो आई डोंट फॉलो क्रिकेट एट ऑल बिल्कुल नहीं नो नॉट एट ऑल एक्चुअली नो नीदर डू आई प्ले नॉट डू आई वॉच सच अ बोरिंग आंसर आई डोंट थैंक्स बहुत बहुत सॉलिड माहौल है और मैं फर्स्ट टाइम आ गया इसका लुक और व्यू और अच्छा फीलिंग हो रहा है 100% मैं अंदर जाकर देख रहा हूँ लेकिन जगह बड़ी लग रही है और हर पार्टी या फिल्म की अच्छी होनी चाहिए आ गए आप वेरी गुड ब्राइट आउट रोलिंग सेटर्स फिल्म जो लोग सेटिंग करते हैं वहाँ से सेटर्स आए मैं जानता था कि नकल होती है पूरे देश में कुछ स्टेट्स में तो हमने फुटेज भी देखी कि लोग खिड़कियों में चढ़ के तीन तीन फ्लोर चार चार फ्लोर चढ़ के चीटिंग करवा रहे हैं इसी लेवल का मालूम था जब तक ये स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं आई और इतना ऑर्गेनाइज लेवल पे होता है और इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में होता है ये सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस तक लिमिटेड नहीं है ये जो चीटिंग है बहुत ही ऑर्गेनाइज लेवल की है जो मेजर एग्जाम्स बैंकिंग और मेडिकल रेलवे एजुकेशन के जो टीचिंग के इसमें पेपर आपको एक शाम पहले मिलता है बिकता है कुछ लाखों में ये बात मालूम नहीं थी और बहुत ही ऑर्गेनाइज और बोलते हैं बहुत सालों से ये इस तरह से चलता है और इसमें जो मेरा किरदार है मैं यूं कह लीजिए कि एक नेगेटिव रोल कर रहा हूं मैं डॉन का रोल कर रहा हूं जो मेन ये सब सेटर्स का जो मेन आदमी है ये आदमी है जो सेटिंग करवाता है बेसिकली गुंडा है रफ है चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे पॉलिटिशियंस हों बात करने में बहुत रफ है उन सब के साथ और अखड़ आदमी है और उसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिसमें श्रेयस भी है जो एक लड़का है जो ज्वाइन करता है इनको और इस तरह बहुत सारे लोग हैं एक पूरी टीम होती है पूरा नेटवर्क होता है पहले से सबसे पैसे ले लिए जाते हैं और फिर उनको एक दिन पहले दिया जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि भाई तूने ये पेपर पर जाना है उसने इस तरह की शर्ट पहनी होगी हाथ में ये पकड़ा होगा उसने ये किया होगा इस तरह की निशानियाँ दे के और इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं उनको भी लगता है कि बच्चे के अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो उसका फ्यूचर बन जाएगा तो
बाकी तो आप जब फिल्म देखेंगे तभी आप समझेंगे, थोड़ा थ्रिलर जॉनर में किया गया एंड आई थिंक द फिल्म हैज़ कम आउट वेरी वेल। बाकी 3 मई को पता चलेगा या आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। एक्साइटेड मतलब फिल्म के गाने लॉन्च हो रहे हैं, इस पार्ट ऑफ पब्लिसिटी, गाने हमारी फिल्मों के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, टीवी पर चलते हैं, सो यू आर एक्साइटेड बिकॉज चलो आपकी फिल्म का कुछ आगे हो रहा है। आईपीएल जब भी टाइम मिलता है घर पर होते हैं तो देखते हैं, कोई नहीं क्योंकि मेरे सारे प्लेयर्स बटे हुए हैं, आई जस्ट वॉच द मैच। आईपीएल में जब देखने बैठता हूँ वो जो थ्रिल है लास्ट ओवर्स तक की, एंड अब मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है, मेरी सारी टीम्स हैं, आई जस्ट इन्जॉय द क्रिकेट। ऑब्वियसली ऑल द प्लेयर्स जो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, धोनी एंड कोहली एंड शर्मा एंड ऑल दीज पीपल, यंग बॉयज, न्यू बॉयज, केएल राहुल जैसे जो हैं, या पंत आया टीम में तो नहीं वर्ल्ड कप की सेलेक्ट हुआ, बट द वे ही शूट्स इज, आई मीन इज फन टू वॉच T20। ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, T20 में नोबडी कैन से कौन जीतेगा, बिकॉज अब देखिए ना चेन्नई 2 मैच हार ही गया ना जो जीत रहे थे, और विराट कोहली की टीम अभी तक एक ही मैच जीत पाई है, सो T20 यू कैन नेवर से किसका क्या दिन है, ऑफ कोर्स बेटर टीम्स एंड वो इट मेक्स अ डिफरेंस, बट उस दिन पिच क्या है, कौन टॉस जीतता है, कौन एक्चुअली निकल जाता है, कौन किसका कैच ड्रॉप हो जाता है, सो दैट्स वेयर द थ्रिल इज। बहुत अच्छा, मैं तो पहली बार आया हूँ एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिन सिटी वेयर वी आर होल्डिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर रिलीज ऑफ सेटर्स म्यूजिक एंड थैंक यू सो मच। नहीं डेट्स तो हमने ही चेंज कर, आजकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डेट्स नहीं होती हैं, छुट्टियों के हिसाब से होती हैं, और फिर इस तरह की फिल्म जैसे सेटर्स जैसी फिल्म है वो ये देखेगी कि भाई इधर और इधर कोई बड़ी फिल्म ना हो, पर कभी कभी उनको लगता है यही हफ्ता खाली है यहीं घुस जाओ, या तो एस्ट्रोलॉजी का तो पता नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है कि ये एक बड़ी फिल्म से बचना है, वो बड़ी फिल्म अगर सपोज़ नहीं भी चली वो तब भी आपकी फिल्म का मोमेंटम तोड़ देती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि आपको एक थोड़ी सी क्लीन स्लेट मिले, या ऐसा मिले कि लोग आपकी फिल्म भी नोटिस हो और देखने आए, सो आई डोंट थिंक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डेट्स डिसाइड की जाती, बिकॉज या फिर या अगर डेट डिसाइड की जाती होगी तो जैसे कहा जाता है कि हम आज अनाउंस हुई फिल्म और उसकी रिलीज डेट डिसाइड हो गई, पर जनरली सब बड़ी फिल्में छुट्टियों पर कब्ज़ा करते हैं, बिकॉज दे ऑल वॉन्ट कि पहले 2-3 दिन में जो करना है वो कर लो, चली तो फिर चली, नहीं तो अदरवाइज तो सेफ गेम। नहीं नहीं जस्ट अ बैंड, एस्ट्रोलॉजी में स्टोन्स होते हैं, आई डोंट नो, आई थिंक 5 शुड बी माई लकी नंबर बिकॉज दैट्स द टोटल ऑफ माई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।